दोनों मिलके हमारे गालों पे एक एक वार करेंगे। आप ऐसे घुमा कर दाहिने गाल पे मारिएगा और मोहिनी जी बाएं गाल पे आप एक साथ दोनों का हथौड़ा मेरे गालों पे पड़ना चाहिए ताकि मेरे मुंह के सारे दांत गिर जाएं, सिर्फ दो दांत बचे। चलिए फिर आंखें बंद करके घुमाइए हथौड़ा। अरे भाई आंख काहे बंद करें भाई? अरे आंख काहे बंद करें? अरे खून से सना हुआ चेहरा आप लोग नहीं देख पाएंगे। हम लोग दिल से बहुत अच्छे इंसान है ना? वो तो है। हाँ बिल्कुल है, सही कह रहे। अगर आपको शक हो रहा है ना कि हम भाग जाएंगे तो पकड़िए मेरा गिरबान, इधर आइए। चकमा जी आप इधर से पकड़िए। पकड़ लिए। पकड़। मोहिनी जी आप भी पकड़िए। हाँ पकड़ लिया। मेरे जीरो बोलते ही दोनों एक साथ मेरे घर पे मार दीजिएगा थोड़ा। अच्छा तैयार है आप लोग? एक बार नाप ले। ले लीजिए। मोहिनी लो लो। ले लिए, एक बार और ले लीजिए। वन टू। नाप ले लिए? हाँ ले लिए ले लिए। आप लोग तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आंखें बंद है? हाँ बंद है बंद है बंद है। गिनते शुरू करते हैं। हाँ 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 जीरो बोलते ही एक साथ मार देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। पांच। हाँ चार। तीन। हाँ अमीगे। हाँ दो। हाँ ये पापा। जीरो। अरे कहाँ गया? भाग गया, दे गया चकमा, पीछे पड़ा महकमा, पकड़ो। बहुत भली मम्मी, बताइए ना क्या डिसाइड हुआ है? मैं दांत छुपाऊं मेरा दंत परी आएगी ना? मम्मी दंत परी आएगी ना? गिफ्ट मिलेंगे ना? बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। चाल चाल पुत्रियों, ओम शांति ओम। आप सभी पुत्रियों से निवेदन है, हरिओम। आप सभी बच्चियों से यह विनती है कि थोड़ी देर शांति बनाए रखें। प्रेमा भगनी आपको हमारा निर्णय अवश्य बताएंगे। प्रेमा भगनी निर्णय संचारित कीजिए। ये कौन से चार की बात कर रही है मम्मी? खुद ही बताएंगी। शांत पुत्रियों शांत। प्रेमा भगनी तुम बताओ ना। तो बच्चों बात दरअसल ऐसी है कि मैंने और प्रार्थना ने तुम सब की इच्छा बाकी मम्मियों के सामने रखी और प्रतिभा मम्मी इसके खिलाफ है, वो मान ही नहीं रही है। तो इसीलिए हम बाकी मम्मियों ने ये तय किया है कि धैर्य, आज रात को अपना दांत तकिए के नीचे छुप पाएगी भी और गिर भी पाएगी। अरे छुपाएगी। जीजा जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ, क्या चल रहा है अंदर? जीजा ये जीजा जीजा हाँ जीजा, अच्छा हुआ आज कन्हैया भैया दुकान बंद करके जल्दी चले गए, नहीं तो आपको छिपाने की जगह भी ना मिलती। जीजा हम कह रहे थे अगर आप चकमा हाथ लग गए होते तो। अरे डरो मत खतरो, ऐसा थोड़े हाथ लग जाएंगे यार, जरूरत पड़ी तो सीना तान के पूरी रात दुकान में ऐसे छिपे रहेंगे। खतरो हमारा दांत तोड़ने चला था ये चकमा, उसको ऐसा चकमा दिया ना उसकी बेटी भी चकमा खा गई।
मेरा सट उसके हाथ में ही रह गया और हम कायम। ऐसा आवाज मत निकालो, प्रेशर आता। अरे जीजा, हम कह रहे हैं धीरे बोलिए, अंधेरे में आवाज गूंजता है, कहीं बाहर आपको ढूंढता हुआ चकमा सेठ आपकी आवाज सुन लिया तो। अरे तो डरता क्या है? आप लोगों ने निर्णय ले लिया और मुझे बताया तक नहीं, और प्रतिभा आपने इसमें मंजूरी कैसे दे दी? कन्हैया जी, मेरी तो ना ही थी लेकिन बहुमत हाँ में थी, तो फिर मैं तो सोचती देखती रह गई। पर मैं आपकी, मेरा मतलब है कि ना की तरफ में। अरे आप एकदम सही कह रही हैं, इस तरह बच्चों को परियों की कहानी पर विश्वास दिलाकर चिट्ठी लिखवाकर गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं। इसी की तो जरूरत थी, यही तो चाहिए था। पिछले दो हफ्ते से कह रही थी कि नया कुकर ले आइए, आखिर आप ले ही आए, बहुत अच्छा किया। प्रेमा। हाँ कन्हैया, कहो ना, प्यार है? प्यार नहीं, ना है। आ जाओ वापस। हमारा मतलब है कि हमारी मत ना में है, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर हम मैया को भी पानीपत में फोन करके पूछेंगे ना तो वो भी खुश होंगी। माँ जी भी नया कुकर देखकर बहुत खुश होंगी। नहीं, मैया भी ना ही करेगी, मतलब मैया, प्रतिभा और मेरी ना। चलिए मान लिया कि आप माँ जी और प्रतिभा की ना है, लेकिन फिर भी बहुमत हाँ में ही है। हम चारों में से प्रार्थना पंजीरी और परी ये चाहती है कि दांत के बदले दंत परी का गिफ्ट दिया जाए, और बच्चों को हमने हाँ कह दिया है, अचानक से कैसे मना कर दे। जीजा, दुकान में चूहा घूमता रहता है। चूहा? कतरू? क्या जीजा? एक चाय व्यवस्था करो। चाय? दोनों भाई आधी आधी बांट पी लेंगे। लेकिन जीजा, चाय लाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो जाओ ना, तो जो तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए बाहर घूम रहे हैं लोग, जाओ। हाँ जीजा जी, जाते हैं जीजा। कतरू कतरू सुन सुन, दुकान से एक गिलास में मत लाना, 1/2 वहीं से आधी आधी करवा के लाना 2 गिलास। ऐसा क्यों जीजा? ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, हम यहाँ ला के आधी आधी करेंगे ना तो कम निकलेगी, वो करके देगा 30 ml ज्यादा मिलेगा। अरे प्रभु, अरे जीजा, अरे जीजा, दौड़ते भागते छुपते छुपाते कहाँ कहाँ दिमाग लगा लेते हो। ए जीजा, हम अभी जाते हैं, 2 गिलास में एक चाय लाते हैं। जीजा अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे यार, ये चूहा भी ना दुकान के सारे चूहे को ले जाके लेडी हिटलर के रूम में छोड़ देंगे। पता नहीं ये चकमा से छुटकारा कब मिलेगा। उनका दिल भी मेरे जितना नाजुक है, वो टूट जाएगा। प्रेमा, बच्चियों का और आपके दिल को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। आ जाओ वापस। यहाँ मेरा दिल ही सोच सोच के बैठे जा रहा है कि अगर घर में ये रिवाज शुरू हो गया तो क्या होगा। वैसे आप सबको पता ही है बिजनेस में कितना मंदा चल रहा है, एक कुकर लाना हो तो 2 हफ्ते सोचना पड़ता है। अब सोचो, अगर बच्चियों ने हर बार दांत टूटने पर गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कन्हैया, क्योंकि ये रिवाज सिर्फ दूध के दांत के लिए होता है, और ये हमारे घर का आखिरी दूध का दांत है। पर फिर भी सोच के देखो, ऐसे परियों की कहानी की तरह टूटे हुए दांत के बदले बच्चों को भेंट देना, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। दे दूंगी, एक साथ 5 बच्चों को दाल बना के भी दे दूंगी, इतना बड़ा कुकर जो आ गया है। अरे पंजीरी, आप ही कुकर से बाहर निकली है ना। कुकर से बाहर निकलो नहीं, कुकर को बाहर निकालो, फिर इसमें दाल बनेगी और सीटी बजेगी। हवा थक गए उन्हें ढूंढते ढूंढते, अब तो रात हो गई, अब कहाँ ढूंढे उन्हें। राका और रघु को भेजें उसका शर्ट सुंघा के, दोनों खोज लेंगे लगता है, पहले खोजी कुत्ते वाले महकमे में थे दोनों। हाँ अच्छा, आई होप। टाइम देखो, आगे आगे दोनों। क्या हुआ, मिला कि नहीं? अरे यार पापा, अगर वो दोनों नहीं मिले तो हमारा क्या होगा? बहुत बुरा होगा मोहिनी, डर हमें इस बात का नहीं कि केस हार जाएंगे, डर इस बात का है कि अगर अदालत ने हमें सजा सुना दी, सजाए दांत, और हमारे दांत तोड़ दिए तो नाम है हमारा चकमा और पीछे पड़ा महकमा।
अरे बाप रे, पलट के भागूंगा तो इसके आदमी पकड़ ही लेंगे। कुछ और करना पड़ेगा खतरू। जीजा, कहाँ चले गए मेरे जीजा? कहाँ हो मेरे जीजा? जीजा, हे जीजा! अबे ओ बावरे नैन, इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ खड़े हम क्या? चकमो सेठ, हीरोइन महिनिया, कहाँ है मेरे जीजा? हाँ है तुम्हारे जीजा? अरे ये तो हम तुमको पूछ रहे हैं। फटाफट से बता दो वो कहाँ है, वरना बहुत बुरा होगा। और बुरा क्या कर लोगे? जब से जीजा दांत तोड़ने की धमकी दिए, सर छोड़कर भागे हैं, तब से घर ना आए हैं। पूरा परिवार उनके चिंता में उनको ढूंढ रहा है, हम भी तलाश रहे हैं। न कोई आस मिल रही है, न कोई लाश मिल रही है। जीजा, ए जीजे, यार कहाँ हो? अरे यार जीजे, जकमा से हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं चकमा सेठ, मेरे जीजे को ढूंढ दो, आप दांत रख लेना, मुझे आदमी दे देना, प्लीज। अरे भाई हम तो खुद उसे ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, पसीने पसीने होगा, पैर दुख रहे हैं हमारे, बात कर रहे हो। अच्छा तो हम कह रहे थे हम बहुत थक गए हैं, चाय वाय पी लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, पी लो। पापा चलिए हम उसे ढूंढते हैं। हाँ हाँ चलो, दुख रहा है। ए मुरारी, एक चाय देना करा रही, आधी आधी दो गिलास में डाल के। आइडिया, धैर्य, तू दंत परी से स्टोरी बुक मांग। अरे हमें स्टोरी बुक मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि है ना घर में जीती जाती स्टोरी बुक, हमारी प्यारी पढ़ाको मम्मी, लो बोलो। यस, दंत परी से मांगो कुछ ऐसा किसी ने देखा ना हो वैसा। यो सुरीली पांचाल, ठीक है तो हम कुछ दंत परी से और मांगेंगे। वैसे धैर्य, तू बहुत लकी है, जब हम सब के दूध के दांत टूटे थे तब हमें नहीं पता चाहिए दंत परी की कहानी, वरना हमारे पास भी ढेर सारी गिफ्ट होते। हम चारों के दूध के दांत मिला के 20x4=80, मतलब हम सबके पास 80 गिफ्ट होते। Forget the past and think fast कि अब हम धैर्य को कौन से गिफ्ट का आइडिया दे। आइडिया, धैर्य तू दंत परी से ना उड़ने वाला मैजिकल कारपेट मांग, जिसपे हम सब आराम से बैठ के एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाएंगे। नहीं नहीं, अगर हवा तेज चली और हम सब कारपेट से नीचे गिर गए तो? कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। मांगो। सुनो, ध्यान दिया? ये आदमी एक चाय ले रहा है, वो भी दो ग्लास में, आधी आधी पार्सल। हो ना हो, इसे पता है कि प्रताप कहाँ छुपा है। Yes, you're right. जीजा, मेरे जीजा, कहाँ हो? ढूंढो ढूंढो। हाँ, कहाँ है मेरे जीजा? ढूंढो ढूंढो, मिल जाए तो हमें बता देना। कहाँ हो? जीजा, मेरे जीजा, कहाँ चले गए? जीजा, जीजा, कहाँ चले गए? जीजा, मेरे जीजा। देखा, हमें इसका पीछा करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से, इसे पता ना चले कि हम पीछे हैं। चलो चलिए चलिए। आइडिया, मैं दंत परी से मैजिकल टैंक मांगती हूँ, जो अपने आप एग्जाम में सारे आंसर करेक्ट लिख दे। नहीं नहीं धैर्या, ऐसे पूरी क्लास की इंटेलिजेंट बच्ची बन जाएगी, नहीं तो हम सब पीछे रह जाएंगे। कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। बच्चे तो बच्चे हैं, आपने उन्हें कह दिया है कि दंत परी को चिट्ठी में लिख के जो भी दोगे वो मिल जाएगा, लेकिन अगर बच्चों ने कुछ ऐसा मांग लिया जो जो हमरी देने की ताकत ही नहीं है या देने योग्य नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ प्रेमा, सोच के देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे, बच्चे ही है, बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं, मेरी तरह। प्रेमा, प्रेमा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। अच्छा मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ।
अभी एक हफ्ता पहले खतरू ने 6 साड़ियां दुकान पे मुनाफे में बेची थी, तो हमने खुश होकर उसे कहा कि बोल खतरू तुझे क्या चाहिए, हम तेरी मांग पूरी करेंगे। तो उसने छट से मांग लिया कुकर। मेरे मांगने पर आप कुकर ले आए, बहुत खुश हूँ मैं। पंजीरी चुपचाप सुलाती रहो अपने कुकर को। हाँ कन्या जी आप उसे छोड़िए, ये बताइए खतरू भैया ने क्या मांगा। कहने लगा कि भैया कुछ दिनों के लिए आप दुकान पर बैठकर साड़ियां लपेटिए और मैं गले पे बैठ के मालिक बनूंगा। हाँ और दुकान का नाम पांचाल साड़ी सेंटर से बदलकर खतरू साड़ी सेंटर रख देंगे कुछ दिनों के लिए। मोहन देव ऐसे कैसे, ऐसा क्यों कहा खतरू भैया ने? मैंने भी उससे पूछा तो कहने लगा भैया रेशमा के माँ बाप मेरा दुकान पर नाम देख के खुश हो जाएंगे और रेशमा की शादी मेरे साथ कर देंगे। उसके बाद भैया आप वापस दुकान पर गल्ला संभालिएगा और मालिक बन जाइएगा और मैं वापस नौकर बनकर साड़ियां लपेटूंगा और दुकान का नाम वापस से पांचाल साड़ी सेंटर रख देंगे। अब जरा सोचिए खतरू जैसा ऐसी मांगे कर सकता है तो बच्चे काका मांग सकते हैं। मैंने ना एक कहानी में जादुई लाल कोट के बारे में पढ़ा था। उस कोट की जेब में जब भी हाथ डालो 100 रुपए की नोट निकलती है, जो नोट कभी खत्म नहीं होती। अगर हम वैसा ही कोट मांगे तो वो कोट हम पापा को पहना देंगे ताकि उनको दुकान पे जाके पैसे कमाने की जरूरत ही ना पड़े। जेब में हाथ डाला पैसे निकाले सिंपल, और वो पूरा दिन हमारे साथ खेले, सारे काम करेंगे शाम से बड़े आराम से। मुझे तो लगता है मैजिकल कोट भी बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है। लालच। बच्चों के मन में इतनी लालच होना शुभ नहीं है। हम गलत क्या मांग रहे हैं गॉड वाली मम्मी? सुपुत्री बुद्धि गलत ही तो है। जिस प्रकार की वस्तुओं की मांग तुम विचार कर रहे हो उसका विवरण जब धन परी को ज्ञात होगा तब वह तो यही सोचेगी ना कि पांचाल परिवार की समस्त पुत्रियाँ इतनी लालची हैं। पर इसमें लालच की क्या बात है मम्मी? और नहीं तो क्या, जादुई पेन की मदद से बिना पढ़ाई किए ही सभी सवालों के सही उत्तर लिखकर परीक्षा में सफल हो जाना, जादुई कोट की मदद से बिना परिश्रम के ही पैसे कमाकर आराम से जीवन व्यतीत करना, और तो और जादुई चटाई की मदद से निरर्थक यहाँ वहाँ घूमना, ये सब लालच ही हुआ ना। गॉड वाली मम्मी सही कह रही है। वस्तुतः तुम इस प्रकार की वस्तुओं की मांग यदि दंतपरी को पत्र में लिखकर करोगी ना तो बदले में वह तुम्हें एक पत्र लिखेगी जिसमें खूब सारी डांट लिखी होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि दन परी सिर्फ सच्चे अच्छे और महान बच्चों की बात सुनती है और उन्हीं को भेंट भी देकर जाती है। गॉड वाली मम्मी अच्छे सच्चे और महान बच्चे कैसे होते हैं? वो बच्चे जो पहले दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचे और फिर अपनी मांग करें, ऐसे बच्चे होते हैं सच्चे अच्छे और महान। हाँ बालक हमीद की तरह। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हमीद की बात तो नहीं कर रही है? यथार्थ सुपुत्री बुद्धि, मैं उसी बालक हमीद की बात कर रही हूँ। हमें पढ़ाकू मम्मी ने कहानी पढ़ाई थी, हम सबको ये याद है। हाँ 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 शुभ है, तो तुम सबको तो स्मरण होगा ही। उस कहानी में गांव के सारे बच्चे ईद के मेले में अपने लिए तरह तरह के खिलौने मिठाइयाँ और अपनी पसंद की चीजें लेकर आए, लेकिन बालक हमीद उसने अपनी पसंद से कुछ नहीं लिया बल्कि उसने अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी जब उसके लिए रोटियां बनाती थी तो आग से उनके हाथ जल जाते थे। अर्थात बालक हमीद ने अपने लिए ना सोचते हुए पहले अपनी बूढ़ी दादी के लिए सोचा, तो फिर हुआ ना वह सच्चा अच्छा और महान बच्चा। हाँ। तो बस सुपुत्री धैर्य, उसी बालक हमीद की तरह तुम्हें भी अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले।